see me, Hatata ma'am, to take over the days and lighting us. On that note, let's begin with the day. So, motivation. Kis kis ko jeevan mein motivation chahiye? Please raise your hands. Kis ko motivation chahiye? Abhi dete hain tumko motivation dete hain. Kise chahiye kise? Raise your hand. Aapko nahi chahiye? Motivation chahiye. To ek gentleman elephant camp mein gaye ghoomne ke liye. वो आगे आगे बढ़ते रहे, उन्होंने देखा कि इतने बड़े हाथी पूरे और उसका पैर बना हुआ एक छोटी सी रोप से, जैसे आप देख रहे हो। उन्होंने कहा होगा नहीं, हाथी थोड़ा बीमार होगा, नहीं हिलडुल रहा होगा, बंधा है इसलिए रोप से। थोड़ा आगे बढ़े, एक और हाथी ऐसे, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उन्होंने बहुत सारे हाथी देखने के बाद उसके ट्रेनर से पूछा कि मैं आपके कैंप में एक चीज़ नोटिस करी है, ये हाथी इतने बड़े हैं, ये इस रोप से बंधे कैसे हुए हैं? इस रोप से ये बंधे कैसे हुए? एनी गेसेस? हिल भी नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं हिलने की। मोटिवेशन चाहिए हाथी को। अब वो छोटे से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, पर उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग बैठ गई कि अब मैं इस रस्सी को कभी खोल नहीं पाऊंगा। तो बड़े होते होते उसने कोशिश करनी भी बंद कर दी। तो हम इस टाइम पर, हमारी जितनी भी एज है, वी मे एक्सेप्ट और वी मे नॉट एक्सेप्ट इट, बट वी ऑल सिटिंग हियर, वी ऑल 100% ऑफ अस आर लिविंग विद सम लिमिटिंग बिलीव्स विद इन आर ओन सेल्स। हमारी बहुत चीज़ों को लेकर कंडीशनिंग बचपन में ही हो जाती है, हमें इसका रियलाइजेशन भी नहीं होता, हम उसी दायरे में जीते रहते हैं। वो सुना है ना आपने कुएं का मेंढक? उसका बेटर वर्जन इज लाइक लिमिटिंग बिलीव्स, माइंड की कंडीशनिंग हो जाना। समटाइम्स द थिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक इज ऑल इन योर हेड। वो हाथी इतना बड़ा हो गया, आपको नहीं लगता क्या वो एक ऐसे जोर मारेगा और रस्सी टूट जाएगी, बट वो कोशिश भी नहीं कर रहा। कुछ लिमिटिंग बिलीव्स। जॉब इज द ओनली वे टू मेक मनी, माय पेरेंट्स यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग, जॉब इज द ओनली वे टू मेक मनी। एनीवन हर्ड अबाउट इट स्पेसिफिकली? और ये कहाँ से कंडीशनिंग कहाँ से आती है, लिमिटिंग बिलीव्स, जिस तरह के परिवार में हम बड़े हुए हैं। तो अगर कोई जॉब वाला बैकग्राउंड है, उनसे पूछो बिजनेस कर ले क्या, नहीं नहीं बिजनेस बहुत रिस्की होता है। सुना है किसी ने ऐसा, जॉब वाले घर में बिजनेस बहुत रिस्की होता है, नहीं करना पैसा वैसा डूब जाएगा। और कुछ लोग, हम लोग इतना अभी चीज़ें पढ़ते हैं उसके बाद भी देर आर सर्टेन फैमिलीज हु स्टिल थिंक दैट स्टॉक मार्केट इज शेयर सट्टा बाजारी, पैसे नहीं लगाने देते, दे हैव दिस कंडीशनिंग। दूसरा बिलीव, बिजनेस इज रिस्की, पीपल लूज मनी, आई एम नॉट डूइंग इनाफ। किस किस को ऐसा लगता है, आई एम नॉट गुड इनाफ, आई एम नॉट डूइंग इनाफ, आई एम नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। कितने लोग को लगता है उन्हें स्टेज पे बुला दो और वो आराम से बात कर लेंगे? नहीं, मैं बुला नहीं रही, मेरे सेशन के 14 मिनट बजे तुमको यहाँ बुला लूँ, मेरे साथ टाइम चला जाएगा। वेरी, कीप योर हैंड्स रेस्ड, वेरी फ्यू हैंड्स ओवर हियर। बाकी मेजॉरिटी को लगता है कि हम यहाँ आकर नहीं बोल सकते। आई कांट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज, किसको ऐसा लगता है कि आई कांट स्पीक गुड इंग्लिश?
क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आई हूँ, मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला है. आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल. आई स्टडी टिल 8th स्टैंडर्ड. आई वॉज स्टडिंग इन अ हिंदी मीडियम स्कूल. देन कम आई कांट से नो टू पीपल. यार मेरे से ना लोगों को ना नहीं बोला जाता, लोग बुरा मान जाएंगे. मैं तो दिल की हूँ ही बड़ी अच्छी. देन कम इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स. मेरे दोस्त आसानी से नहीं बनते, मेरी तो किसी से बनती ही नहीं है. ऐसे वाले लोग हैं कोई यहाँ पे? हाँ हाँ है भाई, तुम दोस्तों के साथ ही बैठे हो. और सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीव, यार एग्जाम है तो स्ट्रेस होना तो नॉर्मली है ना, नॉर्मली है. मतलब स्ट्रेस भी होगा तो फिर नेहा दत्ता को देखेगा कौन यूट्यूब पे? नहीं है. शुभम ने बोला ना, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. तो खुश होके पढ़ना होता है तभी काम होता है. बट वी पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड इट कि ठीक है यार स्ट्रेस तो होगा ही एग्जाम में. ऐसा नहीं है. अब हम क्या करते हैं, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स के साथ हम जी रहे हैं. ये कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको पता भी नहीं है. द प्रॉब्लम इज आपको ये नहीं पता कि आपको क्या क्या नहीं पता है. और जब तक नहीं पता है तो उस पर काम नहीं हो पाएगा. एंड देन यू आर द पीपल, जब आपको एग्जाम्स आ रहे होते हैं, आपसे पढ़ाई नहीं होती है, तो हम जाते हैं यूट्यूब पर देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस. कितने लोगों को ऐसा लगता है यार आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. पेपर तो आ रहे हैं, बचे हैं 15 दिन, सिलेबस पता है, बचा भी हुआ है, बट आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. हाउ मेनी यू वुड फील दिस वे? शर्म आ रही है तुमको? अब ये आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ को समझ के उस पर काम करना था, पर हम जाते हैं यूट्यूब पर, जाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी, बीइंग अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल विद द मोटिवेशनल कंटेंट आउट देयर, आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली, आप 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, 20 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती है. आई ट्राइड इट 100 times. मेरे जितने स्पीकर्स को आपने नहीं सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, कोई बहुत ही भयंकर मोटिवेशनल स्पीच आके किसी ने दे दी, दैट विल स्टे लाइक फॉर 1 day, या आधे दिन चलता था. आधे दिन मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी, मैं सो गई, उठी, मेरे सिर से सब गायब, क्या देखा था मैंने. एंड देन अगेन आई एम फीलिंग द सेम. द रीजन इज मोटिवेशनल वीडियो आपके कॉन्शियस दिमाग ने देखी, एंड देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड डीप डाउन जिसके अंदर अभी भी लिमिटिंग बिलीव्स है, जो अभी भी एंशियस है, जो अभी भी परेशान है. That's why none of the motivational videos works on you. The reason being, you have a conscious mind, जिससे आप सोचते हो, जिससे आप सारे analytical काम करते हो, जिसमें सारे आपके short term जो पढ़ते हो वो store होता है. That's just the tip of the iceberg. उसके depth में जो है पूरा, that is your subconscious mind. जहाँ पे आपके सारे belief system, बचपन से आपने जो जो चीज़ें सुनी वो belief system आपके दिमाग में store हो गए. फिर आपका long term memory, आपका इमेजिनेशन, हमारी इंट्यूशन, द गट पावर. आपने सुना है गट फीलिंग कह रही है मेरी. हैव यू एवर ट्राइड योर इंट्यूशन? कभी एक्शन लिया सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे? एंड ट्रस्ट मी, व्हेनेवर वी टेक एक्शन बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन, गट फीलिंग, इट मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स आउट टू बी ट्रू. आपने कहीं जाना है, आपने ओला उबर पे डेस्टिनेशन डाली, नाउ द मैप विल गाइड यू थ्रू. या वहाँ जाके ऐसे कहते हैं ओला खोल के, ले जा भाई तुझे जाने जाना है, चले जाएंगे. कहाँ जाने, जहाँ ड्राइवर भैया ले जाए. यू डू दिस, वी डोंट डू इट. यू पुट आवर डेस्टिनेशन ओवर देयर, फिर मैप से पहुँच जाते हैं जहाँ जाने. बट व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ, वी डोंट फील लाइक पुटिंग अ डेस्टिनेशन ओवर देयर. एग्जाम्स आ रहे, पता है हम फेल हो जाएंगे, तो हम पढ़ ही नहीं रहे. इसलिए एटलीस्ट थिंक देयर इज सम गट फीलिंग विद इन यू दैट विल गाइड यू. इट हैज हैपेंड विद मी सेवरल टाइम्स. आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई नीड दिस थिंग. I share it wherever I go because it's very close to me. There was in 2012, I watched a session of Sandeep Maheshwari sir for the very first time. It was 2012, unka life-changing seminar tha. He was standing like this, people were sitting out there. I had this picture in my mind stored ki one day I want to be that person who is standing in the on the stage and the people are sitting out there listening to her. That picture came into my life. Because I had no clue what will happen. How will happen? People come and ask me, why did you do CA in that case? So, कुछ और ही कर लेते. मुझे रास्ता नहीं पता था ना कैसे जाना है. मैप ने मुझे ये तो वो मैप तो कई बार ऐसा बहुत पतली पतली गलियां भी देता है ना. I had no clue रास्ता कैसे आएगा.
But ultimately, I got what I wanted. And I'm loving it, absolutely. अब जब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड में उतरना है, वहाँ चीज़ें बदलनी है डीप डाउन, वहाँ के लिए आंखें बंद करके ना अंदर जाना होता है. व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, एग्जाम्स आते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने कोई ऐसा रैंक होल्डर नहीं था जिसकी वीडियो नहीं देखी. वो कितने बजे उठ रहा है, वो कितना पढ़ता है, उसके दोस्त है नहीं है, लाइब्रेरी जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे सब पता था. नेवर वर्क फॉर मी अंटिल एंड अनलेस I switched off my phone, I sat with my eyes closed with my own self and introspected. Ek second ke liye, close your eyes. Everyone eyes. Wo piche to wo late gaye se. Sona nahi hai, wapis aa jao. Just sit comfortably and close your eyes. Sir ko aise tikana mat, aap so jaoge. Take a deep breath. Exhale. One more. Inhale. Hold for a few seconds. Exhale. And the last deep breath. Inhale. Hold for a few seconds. And exhale. Now for the next fraction of seconds, put your attention on the tip of your nose. और आपको कुछ नहीं करना है, अपनी ब्रीदिंग का पेस बिल्कुल नहीं बदलना है. आपको आंखें बंद करके सिर्फ ये देखना है, हाउ योर व्हाट्स द पेस ऑफ योर ब्रीदिंग, इज इट फास्ट, इज इट स्लो, इज इट नॉर्मल, सिर्फ इतना देखना है. आंखों के साथ मुंह भी बंद करना था, जिनका गलती से खुला रह गया है. Just check the pace of your breathing. You are inhaling, you are exhaling. You are inhaling, you are exhaling. Just try to see how you are feeling within your body. आपको सर में कैसा लग रहा है इस टाइम? Is it heavy? Is it okay? You can come back in the moment. इतनी सी देर में आधी से ज्यादा जनता मचल रही थी कि भाई कब आंखें खोल ले हम. आधे तो ही करना शुरू भी कर दिया यहां से. The problem with human mind is we cannot even for fraction of seconds keep our mouth shut and keep calm. हसल करना है जीवन में, हसल हसल हसल, कहां जा रहे हो इतना हसल करके? Have you heard this term trending these days? हसल करना है, हसल करना है. भाई रुक जाते इससे अच्छा तो सोल्यूशन तो मिल जाता. हसल करके पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं सर. Few things which you need to incorporate in your life if you really want to deeply work upon your subconscious mind. दिन में 10-15 मिनट के लिए साइलेंस प्रैक्टिस करें. हमें लगता है चुप हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा, जरूरी मुद्दे कैसे चलेंगे अगर मैं चुप हो गई तो. I'm sorry to say, but maximum time, like 99% of the day, you keep on talking trash. मतलब जब मुँह खोलोगे मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मेरी जिंदगी में वो चल रहा है, ये आप मत हो गई, वो आप मत हो गई, तो चुप रहना बेटर ऑप्शन नहीं है. सो प्रैक्टिस साइलेंस, स्टार्ट विद लाइक 10-15 मिनट्स अ डे. और फिर कुछ नहीं कर सकते अगर मेडिटेशन का कुछ भी नहीं पता, तो सिर्फ आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग का पेस चेक करो. Put your attention on the tip of your nose and see yourself inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. इसको आप eventually करते 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 mind का जो इतना clutter चल रहा है ना, वो शांत होने लग जाएगा. जब भी हमें कहीं जाना होता है, दूर जाना होता है, we prefer कि हम early morning निकले या late night निकले. क्यों? Reason? Traffic कम मिलेगा हमें. तो आपको लाइफ में जो भी काम करना है, जो भी चीज़ें अचीव करनी है, इतने सारे यहाँ मेंटल क्लटर के साथ कैसे करोगे? दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑन द डेली बेसिस. व्हाट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, दिस शोज द इनर चाइल्ड डीप विद इन यू. वी ऑल नो व्हाट्स बेस्ट फॉर अस.
हमसे बेस्ट कस्टमाइज्ड सजेशन एडवाइस हमें कोई भी नहीं दे सकता है. ट्राई इट समडे. थ्री इडियट्स में था ना ऑल इज वेल यहाँ पर हाथ रखो दिल को बेवकूफ बनाना ना बड़ा आसान है. उसको बोलो ऑल इज वेल वो मान जाते हैं. दैट वॉजंट जस्ट अ डायलॉग दैट्स अ ट्रू थिंग. आपको कभी भी लाइफ में ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट कोई भी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है ना आप शांति से बैठो पुट योर हैंड हेयर एंड देन थिंक कि क्या डिसीजन लेना है. आई एम श्योर यू विल गेट द बेस्ट ऑफ एडवाइस राइट फ्रॉम हेयर. सबसे पूछ रहे हो यार अपने दिल से नहीं पूछ रहे क्या चाहिए लाइफ में क्या करना है. आप बाहर जाकर किसी से पूछते हो बाहर किसी से सुनते हो आपके क्या ड्रीम्स थे आपको क्या अचीव करना था ये आपसे बेहतर आपको कौन बता सकता है. सो प्लीज फॉर अ सेकेंड पुट योर हैंड हियर ट्राई टू फील दैट ब्रीदिंग. जब भी आपसे कुछ जरा सा काम नहीं होता ना एग्जाम में फेल हो जाते हो कुछ नहीं होता है हम खुद को कोसते हैं मैं किसी लायक नहीं हूँ आई एम नॉट गुड फॉर एनफ मुझसे ये नहीं हो पाएगा मुझसे वो नहीं हो पाएगा. यार आप राइट फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग टिल द टाइम यू गो टू बेड यू आर द ओनली पर्सन हु स्टेज विद यू. आप हर समय अपने साथ हो. पैदा हुए थे अकेले हुए थे जाओगे भी अकेले ही. ये जो आपको इधर इसका ये हो गया उसका वो हो गया मैं पीछे रह गई हाय तो मचा के जो रखते हो यू आर द ओनली वन who came here all alone and you'll go all alone. तो खुद से तो बात करना शुरू करो ना. अगर आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करोगे ना trust me you won't even need a motivational sessions. But फिर भी मेरा चैनल देखते रहना. And when you listen to your heart, when you listen to your inner voice, things like these happen in your life. I got featured in the LinkedIn ad with that, which have 24 million followers. I was a part of global campaign on LinkedIn. There's a huge channel on YouTube, the Lalan Talk channel, on which I featured there to guide CS students. And then my story got featured in Amar Ujala. I got featured on Josh Talks 3 times. Just a random girl came from a small place and listening to her heart. That's all what it takes. आप खुद से पूछना शुरू करो ना अपने दिल की सुनना शुरू करो ना जवाब सारे मिलेंगे. पर बात है कि आप सवाल तो पूछो. This is what happened with that girl. People are listening to her. If you have any query, you can put it out here. And the last thing which I want to say, life में ये हो जाएगा वो हो जाएगा पीछे क्या हो गया आगे क्या होगा. Can you please take yourself out sometimes from all this chaos, clutter and start telling yourself, आज एक काम करना आज से इस प्रैक्टिस को शुरू करना. घर पे जाना शीशे में खुद को देखना एंड टेल योरसेल्फ मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा. यू डोंट नीड टू वरी ये होगा वो होगा कल क्या होगा. जो होगा हो जाएगा ना यार. जो जब होगा देख लेंगे ना तब. रिजल्ट आने से पहले आप टेंशन लेते हो. आपने पेपर तक नहीं दिया जाके एंड आपके दिमाग में सारा सिनेरियो चल रहा है व्हाट इफ आई फेल व्हाट इफ आई फेल मेरे घर वाले क्या कहेंगे ये कहेगा वो क्या कहेगा. अरे कह देगा ना जो कहना है यार. अब सबकी सुनते रहेंगे तो अपनी कब सुनेंगे. मेरे तो आ गए हैं. आप ये सब करना शुरू करो खुद से मिले तो आपके भी आ जाएंगे. और प्लीज़ खुद से कहना शुरू करो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू से मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा. आसपास का छोड़ो कोई क्या सोचेगा. आप पूरी अपनी एनर्जी के साथ सेट कि आपके दिल तक ये आवाज़ आज पहुँचेगी मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा. मैं हूँ जयपुर में जो कि है पिंक सिटी. यहाँ के बच्चे थोड़ी टेंशन ले रहे थे कि क्या होगा ऐसा होगा वैसा होगा. अब मैंने इन्हें सिखा दिया.